हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा के खिलाड़ियों का दम तो दुनिया देख ही चुकी है, अब इनका दम राजपथ पर भी दिखाई देगा। इस बार पूरे 5 साल के बाद हरियाणा की झांकी को गणतंत्र परेड की लिस्ट में शामिल किया गया है। 26 जनवरी की परेड में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश की विजय गाथा देश की जनता के सामने कहेंगे। सूबे के इन सूरमाओं की कहानी से देश भर के खिलाड़ी प्रेरणा लेंगे। इस झांकी की थीम ओलंपिक की तर्ज पर होगी। प्रदेश के दिग्गज खिलाड़ी यहां एक रथ पर मौजूद रहेंगे, तो वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा समेत अन्य खिलाड़ियों के आम कद स्टैच्यू इस झांकी में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। राजपथ पर 5 साल के बाद एक बार फिर से हरियाणा की साख जो है, हरियाणा की धाक वो दिखाई देगी। झांकी की संभावित तस्वीर कैसी होगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से खिलाड़ियों के स्टैच्यूज जो है इस पर लगे होंगे, यानी हरियाणा और खेल ये दोनों एक ही पर्याय हैं। झांकी से ये संदेश देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी भी इस बार शामिल है। राजपथ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दम देखने को मिलेगा। 10 ओलंपियन इस झांकी का हिस्सा होंगे। नीरज चोपड़ा की आमकद प्रतिकृति ये मुख्य आकर्षण होगी सभी के लिए। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी लीजिए कि इस गणतंत्र दिवस की परेड में जब हरियाणा की झांकी राजपथ से होकर गुजरेगी तो क्या कुछ दृश्य उस समय का होगा। हरियाणा खेलों में नंबर 1। राजपथ पर दिखेगा हरियाणा का दम। झांकी में खिलाड़ियों की झलक। हरियाणा की मिट्टी ने हिंदुस्तान को कई खिलाड़ी दिए हैं। ये खिलाड़ी जब भी खेलों के मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत के साथ भारत का तिरंगा शान से लहराया। टोक्यो ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। खिलाड़ियों ने टोक्यो की जमीन पर भारत और हरियाणा की छाप छोड़ी। खिलाड़ियों का यही दम एक बार फिर से आपको दिखाई देगा। दरअसल अब की बार ये खिलाड़ी खेल के मैदान पर नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हरियाणा की झांकी को शामिल किया गया है। राजपथ पर हरियाणा की धार। गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी भी शामिल। 10 ओलंपियन झांकी का हिस्सा होंगे। नीरज चोपड़ा की आदम कद प्रतिकृति मुख्य आकर्षण होगी। झांकी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने व्यक्तिगत वर्ग में जीते थे 7 मेडल। स्वर्ण पदक सहित 4 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। झांकी के अगले हिस्से में घोड़े और शंख होंगे। घोड़े से जुटा रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है। यहाँ रखा शंख भगवान श्री कृष्ण के शंख का प्रतीक है। झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खेल जैसे बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो, हॉकी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को उकेरा गया है। और ये खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, कुमारी रानी रामपाल, योगेश्वर दत्त, ममता खरब, सुमित अंतिम, दीपक पुनिया, हरविंदर, योगेश कथुनिया,